Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष ही मैदान से बाहर चले गए। जहां तक बात राहुल गांधी की फ्लाइंग किस की है, तो वह घटना संसद के कैमरों में कैद हुई है। यदि वे फ्लाइंग किस संसद के बाहर करते तो उन पर धारा 354 लगती, जिसमें 3 साल तक सजा का प्रावधान है। विशेष अधिकार समिति को यह मामला सौंप दिया गया है। सवाल ये भी आया कि भाजपा महामंत्री अरविंद मारवाड़ी पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। सांसद ने इस सवाल पर दूरी बनाने की कोशिश की, साथ ही हंसते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने यह भी बताया कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य संहिता विधेयक पेश किए हैं। सांसद ने पिछले करीब 9 सालों में कराए गए अपने विकास कार्य भी गिनाए। देखिए प्रेस वार्ता में क्या कहा मेरठ हापुड़ संसद क्षेत्र के सदस्य राजेंद्र अग्रवाल ने। मैंने ये कहा, ये मणिपुर के पर चर्चा के लिए बिल्कुल भी विपक्ष गंभीर नहीं था। हम तैयार थे, पहले दिन से तैयार थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, अमित शाह जी जो गृह मंत्री उन्होंने कहा, राजनाथ सिंह जी ने कहा, जो उपनेता है संसद के अंदर लोकसभा के अंदर, उन्होंने नहीं बात मानी। और अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद भी अभी बड़ी मजेदार बात, उन्होंने शर्त रख दी कि पहले प्रधानमंत्री जाकर के जवाब दे। तो कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसी परंपरा नहीं कि जिस विभाग का विषय होता है उसी विभाग के मंत्री जवाब देते, प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते। तो उन्होंने नहीं माना, लेकिन दिल्ली के बिल में जब चर्चा हुई तो उन्होंने वो अपनी कसम तोड़ दी, उन्होंने चर्चा भी करी। फिर हालांकि हमने पास कराया, उनकी जो कथित एकता थी उसकी पोल खुल गई लोकसभा के अंदर, तो वो वॉकआउट कर गए, उन्होंने वोटिंग ही नहीं किया। राज्यसभा में वोटिंग किया तो वहां भी वो 32 वोटों से हारे, वो अलग विषय है वो, लेकिन कुल मिलाकर के वो गंभीर नहीं थे। और अविश्वास प्रस्ताव का भी जवाब देते समय माननीय प्रधानमंत्री ने जवाब दिया तो वो चले गए, वॉकआउट कर दिया। और राहुल गांधी जब बोले तो उन्होंने उसके अंदर जो है फ्लाइंग किस फेंक दिया। मैंने उल्लेख किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सब जानकार लोग हैं, फ्लाइंग किस यदि सदन के बाहर वो फेंकते तो धारा 354 लगती और 3 साल तक की सजा उनको हो सकती है। नहीं, वो बाहर तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि संसद के अंदर जो कोई बात करे अच्छी या बुरी, मुझे नहीं पता कोई किसी का मर्डर करते तो क्या होगा, लेकिन कुल मिलाकर के उसको इम्यूनिटी हासिल होती है। लेकिन नहीं, वो क्योंकि कार्रवाई से उनका एक्शन निकाल दिया जाता है, जो इस प्रकार के अश्लील या अनुचित एक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड में नहीं जाते हैं। जो माननीय सांसद ऐसे कोई बात करते वो भी रिकॉर्ड में नहीं जाती है, लेकिन उनके विषय को विशेष अधिकार समिति को सौंप दिया गया है। हमारी जो महिला सांसद हैं उन्होंने इसकी शिकायत की है, और विशेष अधिकार समिति जो इसमें निर्णय करेगी वो अंतिम होगा। सभाई और अरविंद मारवाड़ी पर कार्रवाई कब होगी? ये कानून का विषय है, जाकर तो प्रशासन का संज्ञान ले रहा है। जी, चलिए। हाँ, और कि अभी यदि कोई प्राकृतिक दुर्घटना होती है तो व्यक्ति की मृत्यु, उसमें व्यक्ति गायब हो जाता है, शरीर शव उसका नहीं मिलता है, तो नियम ये है कि 7 वर्ष तक उसको मृत घोषित नहीं किया जाए, और उसके कारण से सारे विरासत है, सारा पेंशन है, सारी इंश्योरेंस है, उसमें दिक्कत होती है। तो मैंने कहा कि समय बदला है, अब तो टेक्नोलॉजी का बड़ा भारी महत्व और उपयोग होने लगा है, तो इस समय सीमा को 3 वर्ष किया जाए तो कुछ उस प्रकार की राहत मिल जाए। आपको ध्यान होगा कि केदारनाथ की जो त्रासदी थी उसके अंदर 7 वर्ष तक इंतजार करनी पड़ी। अभी या जो मान लीजिए हिमाचल में, उत्तराखंड में या अन्य जगह पर त्रासदियां हुई हैं तो शरीर नहीं मिल पाते हैं, तो इसको सुनिश्चित करके इसके बहुत तरीके हो सकते हैं, उसको 3 वर्ष किया जाए, ये मैंने मांग की थी एक विषय में। तो मैंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो अवैध होर्डिंग लग जाते हैं जिससे राजस्व की हानि भी होती है और दुर्घटनाएं भी होती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस,
और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।